हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ एग करी। इसके लिए हमें चाहिए एग्स यानी अंडे। मैंने इनको उबाल के रखे हैं। आई हैव बॉइल्ड द एग्स ऑलरेडी। ये मैंने 5 अंडे लिए हैं। 1 मीडियम साइज ऑनियन, 2 मीडियम साइज टोमेटोज, 1/4 कप कर्ड यानी दही, इसको मैंने विस्क करके रखा है, थोड़ी सी धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और स्पाइसेस में हमें चाहिए 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मेरा रेड चिली पाउडर उतना हॉट नहीं है, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने रेड चिली पाउडर के हिसाब से ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून करी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। द ऑयल इज़ हॉट, इट्स रेडी टू मेक। अभी इसमें हम डालेंगे हमारे ऑनियंस। हमें यहाँ पे ऑनियंस को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें। मैंने यहाँ पे ऑनियंस मोटा मोटा ही काटा है, बहुत बारीक नहीं काटा, क्योंकि हमें इसे एनीवेज ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे ऑनियन हो चुके हैं लाइट ब्राउन। हमें सिर्फ इनको इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन ना करें। इसमें नेक्स्ट जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को उसका कच्चापन जाने तक तेल में भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को 2-3 मिनट्स के लिए तेल में अच्छे से भून लिया है, इसका सारा कच्चापन जा चुका है। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं टोमेटो, और इसमें नेक्स्ट जाएगा हमारे तमाम स्पाइसेस। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें यहाँ पे टोमेटोज को इस ऑयल में अच्छे से भून लेना है जब तक ये टोमेटोज अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे टोमेटोज हो चुके हैं अच्छे से सॉफ्ट, ये अच्छे से मैश हो चुके हैं, तेल सरफेस पे आ गया है। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं योगर्ट यानी दही। मैंने 1/4 कप योगर्ट लिया है। हमें यहाँ पे इस करी को 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमें इसे ठंडा होने के लिए देना है। हमें इसे एक 10 to 15 मिनट्स देंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो हमारा मिक्सचर ठंडा होने के बाद मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। अभी मैंने उसको वापस पैन में डाला है और मैंने ऊपर से इसमें लगभग 1/4 कप ऑफ पानी ऐड किया होगा। इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर इस करी को 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छे से पका लिया है। अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं हमारे अंडे। मैंने अंडों को ऐसे बारीक बीच में से कट किया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें नेक्स्ट जाएंगे अंडे। देखिए, मैंने इनको बीच में से एक एक बारीक कट लगाया है ताकि ग्रेवी अंदर तक अच्छे से जाए। हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, और हम इसे 2 मिनट्स के लिए लिड क्लोज करके रखेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स, फिर हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग करी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। आप मेरे वीडियोस अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।